हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। कक्षा 12 के यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न भौतिक विज्ञान से संबंधित है और यह बार बार परीक्षा में आता है, तो आज इस वीडियो में हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रश्न इस तरह का है कि वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि अक्षीय क्या होता है और निरक्षीय क्या होता है। तो अक्षीय किसे कहते हैं? अक्षीय जब कहा जाता है, अगर कोई आवेश लिया गया है और उसी के अनुदिश अगर कोई बिंदु है तो इसको कहेंगे अक्षीय है। ये देख रहे हैं, इस तरह का जो होगा इसको कहेंगे अक्षीय। और अक्षीय के बारे में हमने आपको एक वीडियो में बता भी चुके हैं। तो इस तरह से ये अक्षीय है, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में निरक्षीय के बारे में पढ़ेंगे। निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति उसको कहते हैं कि जब यह बिंदु जो पी बिंदु लिया गया है, यह बिंदु जो है पी बिंदु अगर इस अक्ष के लंबवत होगा तो उसको कहेंगे यह निरक्षीय है। तो आज निरक्षीय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द्विध्रुव की अक्ष रेखा के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। तो इसको हल करने के लिए, इसका निगमन करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना ये भी एक द्विध्रुव है जिसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित एक बिंदु P पर है। बिंदु P की द्विध्रुव के केंद्र O से दूरी R है। बिंदु A पर माइनस Q तथा बिंदु B पर प्लस Q आवेश है। इन आवेशों के मध्य की दूरी 2D है। दोनों आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू की बिंदु पी से दूरी ए पी बराबर बी पी जो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। अब हम इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, बिंदु पी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसको पहले हम फिगर में देख ले। इसके बाद चित्र में देख रहे हैं कि माइनस क्यू एक आवेश है जो ये बिंदु पर है और प्लस क्यू एक आवेश है जो बिंदु बी पर है, और ए तथा बी के बीच की दूरी 2D है। ये देख रहे हैं 2D लिखा गया है, इनके बीच की दूरी ये 2 है, 2D है। अगर हम इसका हाफ कर देंगे तो D हो जाएगा और ये D हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं कि इनके एक लंबवत बिंदु पर एक बिंदु दिया गया है जो पी लिखा गया है, और इसी पी पर अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो देख रहे हैं कि हमने पी और यहाँ पर ये देख रहे हैं एक लंबवत दूरी है, यह लंबवत दूरी जो है वही इसको हम ओ पी लिख देते हैं। ओ पी से ये देख रहे हैं ओ ए और ओ बी दोनों का मान बराबर है। अब यहाँ पर से हमने पी को ए से मिला दिया और पी को बी से मिला दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर निकालना है, अब क्यू के आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश कारण कितना इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है, और प्लस बी और बी बिंदु पर प्लस क्यू के कारण कितना बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है, और इसके कारण इस पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इसको हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें जानेंगे। ये देख रहे हैं जब हमने इसको इस तरह से मिला दिया तो यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो हम यह दूरी निकाल लेंगे, तो यह दूरी आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हम यह मान निकाल लेंगे, यह आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस के प्रमेय में यही होता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के वर्गमूल के बराबर होता है। तो इस तरह से हम इसको
निकाल लेंगे। इसके बाद अब हमें यहाँ से निकालना है कि यहाँ देख रहे हैं कि इस पर दो घटक कार्य करते हैं, एक को कहते हैं क्षैतिज घटक और एक को कहते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। देह हो गया इसको कहेंगे ये ऊर्ध्वाधर घटक है और ये होता है क्षैतिज घटक। तो देख रहे हैं क्यू के कारण ईवन साइन थीटा एक लग रहा है, तो ईवन साइन थीटा जो लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है, और प्लस क्यू के कारण जो लग रहा है देख रहे हैं ई टू साइन थीटा है जो ऊपर की ओर लग रहा है। ये दोनों देख रहे हैं दोनों आपस में संतुलित हो जा रहे हैं। और जो क्षैतिज बल लग रहा है तो क्षैतिज बल क्षैतिज घटक जो है वो देख रहे हैं ईवन कॉस थीटा और ई टू कॉस थीटा है, तो ईवन कॉस थीटा और ई टू कॉस थीटा दोनों एक ईवन कॉस थीटा और ई टू कॉस थीटा इनकी दिशाएं जो हैं इनकी दिशा एक पी की दिशा पी ए की दिशा है और एक पी बी की दिशा है। तो पी ए और पी बी की दिशाएं जो होती हैं चूँकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं किंतु विपरीत हैं, इसलिए इनका हम योग कर देंगे। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा कि ईवन बराबर होता है, तो हम इसको लिख दें कि ई बराबर हो जाएगा ईवन प्लस ई टू। तो इस तरह से हम जब ईवन और ई टू का चूँकि ईवन बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और पी बी क्या जो होगा वो हो जाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी बटे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब चूंकि देख रहे हैं ये कर्ड़ी में है तो इसलिए यह कर्ड़ी में रहेगा, इसके बाद जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा। तो इस तरह से अब हम इसको हल करेंगे, और हम यहीं पर कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार इसका आधार देखिए थीटा के लिए आधार ए होगा, ये आधार इसका हो जाएगा, तो आधार इसका ओ ए है और इसका लेंगे तो ये ओ बी होगा, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, तो ओ ए हो गया। तो कॉस थीटा बराबर हम लिख देंगे आधार के स्थान पर लिख देंगे ओ ए, और ओ ए की दूरी देख रहे हैं कितना है, ये देख रहे हैं ओ ए की दूरी डी है, यहाँ पर डी लिख देंगे। और ये देख रहे हैं आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण देख रहे हैं लिखा गया है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसलिए इसको लिख दिया गया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो फिगर से हमने इसको इस तरह से अब हल कर लेंगे। इसके बाद अब आप इसको आगे लिखेंगे। आपने चित्र में देखा कि उसमें स्पष्ट हो गया है कि स्पष्ट है कि E1 बराबर E2 केंद्र दिशाएं की भिन्न है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एवं E2 के सदिश योग के बराबर होगा। आपने चित्र में देखा है इसको, इसलिए E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। देख रहे हैं ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है, इस तरह से हमने E1 cos थीटा और E2 cos थीटा उसको लिख दिया। और अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, आप निकाल चुके हैं कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का मान आप निकाले हैं, देख रहे हैं यहाँ पर कि डी बटे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। तो अब आपको इसमें डी का इस कॉस थीटा का मान रखना है, तो चलिए अब हम कॉस थीटा का मान रखते हैं। तो कॉस थीटा अब समीकरण आपका यही है कि ई बराबर ई1 कॉस थीटा प्लस ई2 कॉस थीटा, और इस पर आपको डी का मान कॉस थीटा का मान मालूम है। कॉस थीटा का मान देखिए यहाँ से निकल गया है, चूँकि कॉस थीटा बराबर हम लोग निकाल चुके हैं कि डी बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमारा समीकरण क्या है, हमारा समीकरण है कि ई बराबर है ई1 प्लस ई2, और हमने इस तरह से लिख लिया कि ई बराबर आ गया, आपको मालूम था कि ई वन कॉस थीटा और प्लस ई2 कॉस थीटा, और ये भी मालूम है कि ई वन और ई टू बराबर है। तो हम इसको लिख देंगे, हो जाएगा ई बराबर को लिख देंगे, हो गया ई1 कॉस थीटा और ये भी ई1 कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद अब इसको हम सरल करके लिखेंगे तो हो जाएगा
इवन कास थीटा और इवन कास थीटा दोनों हो जाएगा टू इवन कास थीटा, इस तरह से इसका मान आ गया टू इवन कास थीटा। अब कास थीटा के स्थान पर हम लिख देंगे कि ई बराबर हो जाएगा दो इवन कास थीटा, कास थीटा के स्थान पर आपको मालूम है, लिख देंगे यह हो गया डी बटे अंडर रूट वन आर स्क्वायर, आप लिखेंगे कि डी बटे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और चूंकि आपको इवन का मान मालूम है, इवन बराबर कितना है आप जानते हैं कि इवन बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये है कि क्यू बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये मान यहाँ पर आप रख देंगे, ई बराबर हो गया ई बराबर टू इंटू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, और आगे हो जाएगा क्यू बटे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पर देख रहे हैं इसका मान है डी, ये डी है और नीचे लिखा गया है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसी को आपको हल करने ला है, तो जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, ये हो गया ई बराबर, इसको लिख देंगे वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर देखिए क्यू और डी, और इसको दोनों को एक साथ कर देंगे हो जाएगा टू क्यू डी हो जाएगा, और नीचे देखिए ये हो गया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसके ऊपर हम घात इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसका घात देख रहे हैं एक है और इसका घात एक बटा दो है। तो आप जानते हैं अगर बेस दोनों का बराबर हो तो घात को जोड़ दिया जाता है, तो घातों को कैसे जोड़ेंगे, तो जैसे लिखा रहे कि मान लीजिए कोई ए है तो ए की घात दो है और एक ए है इसकी घात एक बटा दो है, तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा ए घाते एक बटा दो, और इसको इस तरह से लिखेंगे तो हो जाएगा ए घाते ए, ये हो जाएगा दो धन एक बटा दो, तो दो दूनी चार, चार एक पाँच बटा दो हो जाएगा। इसी तरह इसको भी कर लेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर घाते एक है और एक का एक बटा दो है, तो दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा एक बटा दो, तो दो एक के दो, दो एक तीन, इस तरह से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसका घाते हो जाएगा ये जगह तीन बटा दो। तो हम इसको लिख देंगे तो हो गया कितना, ई बराबर हो गया वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा टू क्यू डी, और बटे में हो जाएगी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर घाते ये हो जाएगा तीन बटा दो। तो हम जानते हैं कि चूंकि 2qd का मान जो होता है वो p के बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण है तो द्विध्रुव आघूर्ण p, तो इसको हम लिख देंगे ये हो जाएगा e बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा 2qd के साथ p हो गया p बटे, इसको लिख देंगे r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर घाते इसका तीन बटे दो लिख देंगे। अब यहाँ पर अगर हम मान लें कि d की वैल्यू जो है वह r से बहुत कम है, r की अपेक्षा में बहुत कम है, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा कि e बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन, और k चूँकि एक परावैद्युतांक है, परावैद्युत नियतांक है, तो इसलिए इसका मान हम एक रख देंगे, क्योंकि इसका मान निर्वात या वाई में इसका मान एक होता है, तो इसको एक रख देंगे, तो एप्सिलॉन तो ये हो जाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पर देखिए हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा आर का, आर का घाते तीन बटा तीन हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा आर घाते दो,
और गुणे में 3/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आर घाते 3। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन आ गया कि ई बराबर 1/4πε₀Q/r³। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।